एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस मेकओवर्स। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और इस लुक को मैंने इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप के लिए क्रिएट किया है। सो आप भी इस तरह का लुक क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपके घर में पार्टी है, फंक्शन है, तो आप कर सकती हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। या सो गाइस, सबसे पहले मेकअप करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम अपना स्किन केयर करेंगे, यानी क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया, देन उसके बाद मैं टोनर लगा लूँगी। आपके पास कोई भी टोनर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगाऊँगी मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र है ये मेरा, तो गुड वाइब्स का ग्रीन टी प्लस एलोवेरा मॉइस्चराइज़र है। बहुत ही यानी बहुत लाइट है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन पे ग्रीसी लगेगा, तो काफ़ी अच्छा क्रीम मॉइस्चराइज़र है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आई मेकअप क्रिएट करूँगी, क्योंकि अगर आप कोई भी हैवी आई मेकअप लुक क्रिएट करते हैं या फिर ग्लिटरी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना आई मेकअप पहले क्रिएट करें। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने जो है कंसीलर लिया है और इसको मैं डैब डैब करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज पाउडर और इसको आई को सेट करने के लिए, ताकि कोई किसी भी तरीके की कोई क्रीज ना पड़े। इसके बाद मैं स्टार्ट कर लेती हूँ आई मेकअप को। और यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट लिया है और ये ब्यूटी ग्लेज का पैलेट है। तो अगर आप इस तरह का पैलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सारे शेड इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू शेड लिया है, ब्लू शेड लेकर मैंने अपनी आई बोल पर अप्लाई किया है, यानी इसको मैं ब्लेंड करूँगी। देन उसके बाद मैं सेम ही कलर का थोड़ा सा लाइट शेड लेके अपने क्रीज पे लगा के देन उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसके बाद सेम पैलेट में से मैंने एक रॉयल ब्लू शेड कलर का मैंने एक पिगमेंट लिया है, इसको मैं एज अ मतलब फिंगर की हेल्प से मैं इसको इजीली लगा लूँगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी ब्रश से लगाना हो, क्योंकि अगर आपको आई मेकअप पिगमेंट चाहिए तो आप फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं। देन उसके बाद मैं मेकअप रिमूवर लूँगी, जो कि लिया है मैंने गार्नियर का, जितना मेरी आईज़ का फॉल हुआ है उसको रिमूव करने के लिए। देन उसके बाद मैं सीरम यूज़ करूँगी, यहाँ मैं NYB का सीरम यूज़ किया है। तो गाइज़, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सीरम या फिर आप फेशियल ऑयल ज़रूर यूज़ किया करो। देन उसके बाद यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैंने लिया है Maybelline का प्राइमर, ये मास्टर प्राइमर है। तो अगर आप कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर देख रहे हैं तो आप ये वाला डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसे क्या होता है, आपके ओपन पोर्स भी आपके मिनिमाइज़ करेगा, आपका बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और काफ़ी अच्छे से स्टे भी करेगा। या तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद कलर करेक्शन करेंगे, यहाँ मैंने ऑरेंज कलर करेक्शन लिया है। तो यहाँ जितनी भी डार्क सर्कल एरिया या फिर डार्क स्पॉट्स एरिया है, वहाँ पे इसको लगा के मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंडिंग पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ब्लेंडिंग अच्छे से करिए। जितनी अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना आपका मेकअप बेस जो है काफ़ी अच्छा दिखेगा और फ्लॉलेस होगा। देन उसके बाद आते हैं हम फाउंडेशन पे, और यहाँ मैंने लिया है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और मेरा जो शेड है वो 220 है, नेचुरल शेड। देन उसके बाद मैंने फिंगर की हेल्प से मैं इसको डॉट करके पूरे फेस पे लगा के इसको ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग होगी आपका फेस बेस जो है वो फ्लॉलेस दिखाई देगा। इसके बाद आते हैं हम कंसीलर पे, यानी हम जो कंसीलर यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट, वो एक नंबर शेड जो है हम एक शेड लाइट लेंगे, क्योंकि हम ये हाइलाइटिंग करेंगे। जो भी हमारे यूजली हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैं कंसीलर को ही लगा लूँगी। लगाने के बाद इसको या फिर फिंगर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप या फिर ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसकी हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो गई नेक्स्ट स्टेप पे मूव करती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लिया है जो कि है फेसेस कैनेडा का, और यहाँ पे जैसे आईज़ के नीचे हमारे काफ़ी चांसेस होते हैं क्रीज पड़ने के, लाइन आ जाती है, तो इसको सेट करना होता है। तो आईज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की क्रीज ना हो। तो मैंने कॉम्पैक्ट लगा के इसको सेट कर लिया अपने बेस को। देन उसके बाद हम कंटोरिंग करेंगे, यहाँ मैंने कंटोरिंग स्टिक ली है। सो गाइस, आज मैं जो कंटोरिंग जो ब्लेंड करूँगी, आज मैं ब्रश से ब्लेंड नहीं करूँगी, आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड करके दिखाऊँगी। और गाइस, लिटरली मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा जब मैंने इसको ब्लेंड किया। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंटोरिंग जो कंटोरिंग को ब्लेंड करना। या तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ज़्यादा अच्छा पिगमेंट आता है। या
सो गाइज यहाँ पे कंटोरिंग होगी, उसके बाद आते हैं हम ब्लशर पर। और यहाँ मैंने SFR का ब्लशर पैलेट लिया है और इसमें से मिक्स एंड मैच करके यानी सो ब्लशर को यहाँ मैंने लगा लिया है। इसके बाद आते हैं ट्रांसल्यूशन पाउडर पे यानी सेटिंग पाउडर। तो यहाँ पे क्रीज के नीचे लगा लिया है मैंने और नोज़ की साइड में लगा लिया है। देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे आईज़ पे आएंगे दोबारा, यानी मैंने एक ब्लू कलर का ब्लू हेवन का ही मैं काजल यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने वाटर लाइन पे लगा लूँगी। आप चाहें तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो मुझे लुक देना था वो ब्लू ही देना, तो यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद मैं अपनी वाटर लाइन पर ब्लू शेड ही इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद आते हैं जो मैंने सेटिंग पाउडर यूज़ किया था उसको मैं ब्रश आउट कर दूंगी, क्योंकि मेरा मेकअप बिल्कुल सेट हो गया है, वो बिल्कुल मैट ही हो गया है। इसके बाद आते हैं हम आईब्रोज़ पे, और यहाँ मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने ब्लू हेवन का ही मैंने आईब्रो डिफाइनर लिया है। देन उसके बाद मैंने पुली ब्रश की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि जितने भी गैप्स हैं वो ब्लेंड हो जाए। इसके बाद आते हैं हम हाइलाइटर पे। सो गाइज ये है मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। सो गाइज बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है, अगर आप कोई अफोर्डेबल हाइलाइटर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है। या सो गाइज यहाँ पे लाइनर यूज़ करूँगी मैं, यहाँ पे HR का लाइनर यूज़ किया है। ये ब्लू शेड का ही मैं ग्लिटरी लाइनर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मैंने ब्लैक लाइनर यूज़ नहीं किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो मैंने अपना आई मेकअप लुक रखा है बिल्कुल ब्लैक तो नहीं रखा, पूरा प्रॉपर मैंने इसको ब्लू लुक दिया है, या ब्लू काजल, ब्लू आई शेडो, ब्लू ही मैंने लाइनर यूज़ किया है। सो गाइस नेक्स्ट मूव करेंगे हम मस्कारा पे। यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ किया है। इसके बाद आते हैं हम मेकअप को सेट कर लेंगे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर से, तो मेकअप को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएंगे हम लिपस्टिक पे, और यहाँ मैंने ली है ब्लू हेवन की मैट लिपस्टिक, बहुत ही सुंदर शेड है गाइस, ट्यूलिप पिंक शेड है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है। या सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल एंड फिनिश लुक। या सो गाइस मैंने इस लुक को मैंने इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप के लिए क्रिएट किया है, तो आपको पता ही है वेडिंग सीजन है, तो आप वेडिंग सीजन पे इस तरह का लुक क्रिएट कर सकती हैं। काफ़ी अफोर्डेबल लुक क्रिएट किया है, आपने देखा मैंने किन किन प्रोडक्ट के साथ अपने लुक को कम्प्लीट किया है। या सो गाइस आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। या सो गाइस मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।